Good morning, everyone. कैसे हो आप सभी? बोल रहा है ये भी. अब बोलो कैसे हो आप सभी? कैसे हो? तो चलिए आज का ब्लॉग अभी स्टार्ट करते हैं. मैं किचन में एक्चुअली मैं कर रही थी आलू. मैंने छीले हैं आलू और आलू की सब्जी बनानी है. और बच्चों कहाँ चले गए थे? बेबी रो रहा था. कहाँ चले गए थे? क्या आप बना रहे हो? हम बना रहे हैं ये पूल और ये नाली. पूल का पानी चला गया है साइड से. रितवार ने देना पूरा पानी कर दिया. यहाँ दादी ने गुस्सा करना. सेवन से हेलो एवरीवन. नहीं बोलता ये वो भी. अभी दादी नहीं आए हैं. बोलते ही नहीं है. बोलते ही बातें बहुत करता है हमारा बेबी. और बहुत दिनों के बाद आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. बहुत ही दिनों के बाद. चप 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 हमारा बेबी अच्छी अच्छी कैच करता है. कैच करता है. सॉन्ग सुना दो. सॉन्ग वेरी गुड. ईयर पकड़ता है ये. मैं मम्मी ईयर पकड़ता है. खींचता है मम्मा की ईयर. खींचता है ये. चोट लग गई बेचारी को. चोट चोट दिखा. हमने पेनू का हुई थी वो अच्छे. जब गिरे थे हम बहुत सारी पेनू हुई. आईज स्वेलिंग हो गई. दिस वन दिस आईज ये वाली आई स्वेलिंग हो गई. और भी पेन होगी और ग्रीन एंड ब्लैक हो गया. बहुत जोर से पेन होगी. और अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है. भैया ने सोती सोती टोपी ले लो. सोती भैया की आप
तो ये देखिए ऑरेंज पील पाउडर है, ऑरिगेंज कंपनी का है, प्योर एंड नेचुरल प्रीमियम। तो इसमें कोई भी केमिकल ऐड नहीं है, नेचुरल स्किन केयर के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो ऑरेंज पील पाउडर है ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें ज़्यादातर विटामिन सी हायर कंसंट्रेशन होता है, इसमें ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, जिससे कि आप जो स्किन है वो हाइड्रेट रहती है, स्किन लाइट होने स्टार्ट हो जाती है। अगर आपके स्किन में पिगमेंटेशन है, डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, तो वो लाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक्ने मार्क स्केयर्स जितने भी आपके फेस की प्रॉब्लम्स है वो सभी दूर करता है ऑरेंज पील पाउडर। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी थोड़ा सा ऑरेंज पील पाउडर। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी जो स्किन है वो यंगर लुक देना स्टार्ट हो जाएगी, जो एंटी एजिंग है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपकी जो वक्त से पहले अगर फाइन लाइन स्टार्ट हो गई है तो वो रिमूव हो जाएगी अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 1 से 2 स्पून तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने फेस के लिए यूज़ करना है तो 1 स्पून इनफ है। और इसका पेस्ट बनाना है हमने, तो यहाँ पर रोज़ वाटर हमने ऐड करना थोड़ा सा, और इसको फिर हमने 10 to 15 मिनट्स तक आप इसको फेस पर अप्लाई करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 स्पून एटलीस्ट ले लिया है। तो रेगुलर जैसे हम लोग स्किन केयर जब करते हैं तो रेगुलर इसको अप्लाई कीजिए, विद इन 1 वीक आपको रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको रेगुलर अप्लाई करके देखिए 2-3 टाइम्स इन अ वीक। तो वीक में ये देखिए थिक सा पेस्ट बनाना है इसका आपने। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ वो भी नेचुरल प्रीमियम का, प्योर एंड नेचुरल प्रीमियम ऑर्गेंज कंपनी का है। तो आप रोज़ वाटर यहाँ पे अप्लाई कीजिए। रोज़ वाटर अप्लाई करने से आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट होती है, और आपकी जो स्किन रेगुलर अगर आप रोज़ वाटर यूज़ करते हैं तो आपकी जो स्किन पे जितने भी स्किन केयर रूटीन्स में आपको इसको यूज़ करना चाहिए, जितने भी फेस पैक है, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन प्रॉब्लम्स है वो रिमूव होती है। तो रोज़ वाटर वेरी यूज़फुल फॉर स्किन ब्यूटीफुल, और जितनी भी स्किन टाइप्स है क्लीन करने के लिए, टोनर के लिए एज आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने थिक सा पेस्ट बना लिया है, ये दोनों मैंने अप्लाई किए है। ज़्यादा कुछ मैंने इसको अप्लाई नहीं किया, DIY आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज। तो रेगुलर आप इसको अप्लाई कीजिए तो आपकी स्किन की जितनी प्रॉब्लम है वो रिमूव हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कितना अच्छा ग्लो आया है, अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ हेयर ऑयल, कैसे हम कर सकते हैं अपने बालों के लिए रेगुलर। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ डाबर आंवला का है, ये डाबर का है आंवला प्लस सरसों ऑयल जो आता है, सरसों एंड आंवला डाबर का, तो वो है ये, उसको मैं ले रही हूँ यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू अपर आपके जो बालों की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऐड किया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो कि मैंने आपको निकालना बताया था काफ़ी सारी वीडियोस में, तो वो निकाल कर एलोवेरा को कट कर फ्रेश एलोवेरा का कट करके उसके जेल निकाल कर फिर अप्लाई कर रही हूँ। और यहाँ पर अब मैंने इसको पहले अच्छी तरह मिक्स कर लिया है ऑयल एंड एलोवेरा को, एलोवेरा जेल को,
और फिर इसको अपने हेयर के ऊपर अपने लगाना है। हेयर की मतलब ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, प्लस आपके हेयर की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो रिमूव हो जाती है अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले पार्टीशन कर लेनी है, अपने जब भी हेयर ऑयलिंग करनी है तो सबसे पहले कॉम करके अपने हेयर को पार्टीशन कर देनी है, और टू टू फिंगर्स का गैप करते हुए आपने अप्लाई करना है हेयर ऑयल। एलोवेरा जेल हेयर ऑयल बन जाता है ये नेचुरल, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसको लगाएंगे तो आपके जो बाल हैं वो नेचुरली शाइन भी करेंगे, प्लस आपके जो हेयर ग्रोथ होगी वो भी होगी, प्लस आपके जितने भी हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर होंगी। आप लोग कैसे फैलाई हुई है पूरी ड्राइंग बुक्स, कैसे दिखाओ, शो मी योर रोबोट। दिखाओ तो वन टाइम। यहाँ रखो सामने। देखिए हमारे रोबोट, ये देखिए ये रोबोट होता है ट्रांसफॉर्म को, और इसके बटन और सेल, इधर उस सेल से मोटे बड़े सेल से वो और चार्ज हो जाता है, और चार्ज हो जाता है और वो सब कोई मार सकता है, और स्नेक बॉल और स्नेक बॉल का कोई मार सकता है और काफी बंदा। अरे यार बाबा देखिए, देखो ये मान रहा है नोटी ग्रॉस, इसलिए आजकल हम वीडियो नहीं बना रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा हमें, तो ये छोटी सी वीडियो है, छोटी सी शॉर्ट्स है, तो शॉर्ट्स में आते हैं, मिलते हैं आपको थोड़े थोड़े दिनों बाद। अब छोटे छोटे शॉर्ट्स बना लेंगे अगर टाइम मिलेगा तो, है ना जी। उसको मत उठाओ, गिर जाएगा, दम हो जाएगी फिर, बैठ दो।